तो अभी आपने तो मेरे को देखा गिरते हुए, पर कोई बात नहीं, ऐसे मतलब बड़े बड़े लोगों के साथ में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। धड़ धड़ी पड़ लो, गिर गई मैं तो, कोई बात नहीं हो। अरे लवट के अकबर दिल्ली आया, लवणी मानी इके न आया है, नानू और घोड़े को दे भी तूने जीवन दान, माने अकबर का घटाया है। क्या मस्त, क्या मस्त, क्या मस्त। हाँ, आज सुबह सुबह क्या हुआ पता है, सुबह सुबह 6:30 बजे की बात थी, पापा को अर्जेंट फ़ोन आया कि बाबा है उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तो तू मतलब रानी भाई को लेकर आ जाओ जल्दी, कैंसर था और बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, तो ऐसा था कि वो कभी भी मतलब आप समझ लो कभी भी उनका मतलब कुछ गारंटी नहीं थी। मैं 6:30-7 बजे उनके यहाँ गई, तो वो ऐसे बेड पे पड़े हुए थे। मैं कैसा, जब किसी के घर में जाती हूँ और किसी की तबीयत ज़्यादा ख़राब रही तो मैं उनसे ज़्यादा कुछ बात नहीं करती, उनका मतलब अंगूठा पकड़ लेती हूँ और खुद ही उनका अंगूठा पकड़ के स्कैनर पे रख देती हूँ। मैं आधार कार्ड वगैरह तो उनके घर वाले दे देते हैं। ख़राब है, बेहोश की हालत में, मतलब बेहोश है तो ज़्यादा बात बात नहीं करेंगे, तो मैं गई, मैंने पकड़ा उनका थंब, पकड़ा स्कैनर पे रखा, पैसे भी निकाल दिए और फिर मैं बाहर खड़ी थी। तो उसके बाद पता चला कि मतलब वो तो मर चुके हैं। मुझे बाद में पता चला कि वो मतलब मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहा कि वो पैसे निकालने से पहले वो उनकी डेथ हो गई या फिर पैसे निकालने के बाद। कोई बात नहीं, अभी मतलब उनको भी बहुत त्रास, मतलब बहुत प्रॉब्लम, बहुत दिक्कत होती थी, बहुत प्रॉब्लम था, मतलब मुंह का कैंसर हुआ था, उनकी आत्मा को शांति मिले। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो अभी हम जा रहे दूसरी जगह पे जा रहे, इधर से ही आगे कहीं तो जाएंगे। मैं और समी दोनों आए, दोनों बुलेट से आए। कैसा मतलब मैंने सोचा कि पहले पैदल ही आएंगे, फिर मैंने सोचा कि हम क्यों पैदल जाए भी, हमारे पास तो बुलेट है, तो फिर मैंने सोचा कि बुलेट से आ जाते हैं, तो मेरी बहन चलाती है बुलेट। समी वेयर इज योर बुलेट। तो ये है संभाजू, ये हमारी बुलेट। हम आए इस बुलेट से, अब हम जाएंगे इसके साथ घर। नहीं, पहले घर नहीं, अब दूसरी एक जगह जाना है, वहाँ पर जाएंगे, ठीक है। नहर में जाते थे तो नहर तरह भी मर्डर हुआ था, तो फिर सब उधर भी जाना छोड़ दिया। फिर ना उधर एक कुआ है, उधर जाते थे, उधर भी एक आदमी कुएं में डूब गया और फिर उधर भी जाना छोड़ दिया। तो इधर किसी का कुछ नहीं हुआ, ये अच्छी जगह है, तो इधर आते हैं, अभी अच्छा लगता है। इधर आओ तो कुछ तो खाने को चाहिए साथ में, ऐसा कुछ तो टाइम पास के लिए, फिर अच्छा लगता है, अच्छा हो जाता है। एक पहले ना एक मामा थे मेरे, पता नहीं फिर उनको क्या हुआ। और आपको अभी तक वही पता है कि साक्षी मिश्रा आधार कार्ड से पैसे निकाल के देती है, खेत में काम करती है, ठीक है, बाकी पढ़ाई लिखाई तो चल ही रही है, वैसे वो थोड़ी बंद होने वाली है, ठीक है। लास्ट ब्लॉग में बोला था कि मैं बताऊंगी आपको कि मैं कौन सा काम करती हूँ। मैं धान का काम करती हूँ, मैं किसानों से धान लेती हूँ और वो बेचती हूँ। तो इसमें कैसा, मैं अकेले नहीं हूँ, इसमें मेरे साथ शब्बीर अंकल है, उनके साथ मिलकर ये काम करती हूँ। पहली बात ये कि मेरे को ज़्यादा उसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो उसके लिए सारी चीज़ें शब्बीर अंकल को पता है, तो वो मेरी हेल्प करते हैं वो काम इसमें, तो उनके साथ मिलके मैं वो काम करती हूँ।
बात ऐसी है कि मम्मी पापा मेरे को नहीं बोलते वो काम के लिए। उनका कहना है कि भाई क्यों करते हो ऐसा काम, पढ़ाई लिखाई करो, शादी वादी करो, ऐसा काम नहीं करो जो काम लड़के करते हैं, मतलब ये लड़कियों वाला काम नहीं है, ऐसा मेरे घर वालों का मानना है। तो आज मुझे मम्मी से परमिशन लेनी है, सोच लो, इसलिए मैं वेट कर रही थी। पर आज कैसा कि जिनसे मैंने धान, हमने धान लिया है ना, तो वो आज ट्रैक्टर से उनके उनका माल हमारे घर में आने वाला है। माल मैं धान का माल बोलती हूँ, तो वो आने वाला है। तो उससे पहले मुझे मम्मी से परमिशन लेनी है, क्योंकि एकदम से धान आ जाएगा फिर मम्मी बोलेगी ये क्या है सब कुछ। पापा से नहीं बोलूँगी क्योंकि पापा नहीं बोलेंगे, मेरे को पता है। तो ना नहीं सुनना अभी पहले, तो मम्मी से बात करूँगी और फिर मम्मी से बात करूँगी तो हो गया। हाँ हो गया, एक बार मम्मी से काम हाथ हो गए थे वो, तो फिर कोई टेंशन नहीं, वो कर लूँगी। मज़ा है, फिर मज़े ही मज़े है। मैं मम्मी को पूछने जा रही हूँ पर मम्मी मेरी दिख नहीं रही है। मम्मी 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 है का? मम्मी दूसरी का मम्मी नहीं। मम्मी 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 दूसरी मम्मी मम्मी माय माय मम्मी दूसरी का 2000 years later मम्मी मम्मी तो धान आने वाला है, कर रहा है धान का। अरे पापा को बता देना ठीक है। मत कर भाई, धंधा भी करूंगी, कॉलेज भी जाऊंगी, जब कॉलेज स्टार्ट हो जाएगी कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरे को हाँ बोल दो। तू पापा को बोल, बता दे पापा को। और पापा भी नहीं बोलते और मैं भी नहीं। धंधा आज भी लोग कर सकते हैं जिनका पूरा एजुकेशन हो गया, ये खाली पीली है, वो लोग कर सकते हैं। नहीं मांग रही हूँ ना, मेरे को पैसे चाहिए ना कुछ चाहिए, तुम बस मेरे को हाँ बोलो। तेरे को पता है मैं कुछ गलत करूंगी नहीं, तेरे को पता है ना, तुमचा विश्वास ना है पहली गोष्ट हमारे यार। तू जो बोलेगी ना वो करूंगी मैं। तू बोलेगी अगले साल शादी कर तो मैं वो भी करूंगी, पर मेरे को ये करने दे। मेरे को जिसमें को किसी चीज का शौक नहीं, तेरे को पता है किसी चीज का शौक है मेरे को, दारू वारू पीती हूँ मैं। लड़के वड़के का चक्कर है कोई? कोई चक्कर नहीं है। प्लीज प्लीज मम्मी प्लीज प्लीज एक बार इस बार करने दे मेरे को। अगले साल तू जो बोलेगी वो मैं करूंगी, इस बार मैंने कुछ भी नहीं मांगा, बस परमिशन दे दो करूं। लोग आजा गरी ऐसे मतलब करो बेटा करो, हम तुम्हारे पीछे हम लगाते हैं पैसा, तुम बस करो। मैं तो ये भी नहीं बोल रही हूँ। हमन ठीक है, मैं करूँ ना फिर तो आज ना फिर वो धान आने वाला है तो फिर घर में रखू ना? पापा बोलेंगे कि क्यों रखा है, तो तू समझा देगी ना? कर, पर कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं कुछ नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने दूंगी, कुछ भी कम ज्यादा नहीं होगा, कुछ भी मेरी वजह से मैं प्रॉब्लम नहीं होने दूंगी। पर मेरे को भी मार्केट जाना है ना, मेरे को भी सीखना है ना, मार्केट जाने में क्या प्रॉब्लम है? तो अगर मैं कर रही हूँ सब मैं कर रही हूँ तो मेरे को मार्केट जाने में क्या प्रॉब्लम है? तो रहेंगे साथ में ठीक है, करूँ ना फिर उधाना अभी रखना है ना यहाँ पे, वो ट्रैक्टर आएगा अभी ठीक है। आ गया नील चुराने आ गया अगर शेराली बोल अच्छे दरबार के शेरावाली आ गया एक मेरे आ गया ये इधर वाला रोड इस साइड में आपको नहीं दिखेगा।
अभी व्लॉग यहीं पे खत्म करना पड़ेगा आज, मतलब ज्यादा कुछ तो है नहीं व्लॉग में बताने के लिए, तो इतना है इसमें, तो ठीक है आप एडजस्ट कर लो, ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच पूरा व्लॉग देखने के लिए, जिन्होंने जिन्होंने व्लॉग देखा पूरा, थैंक यू सो मच, आई लव यू, बाय 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 बाय।